अगर मैं आपसे कहूं कि किसी गैजेट को हैक, मैनिपुलेट या उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? नहीं, आप या तो खुद उसे चेक करेंगे या फिर किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे। तो जब ईवीएम वीवीपैट मशीन की बात आती है, तो चुनाव आयोग इस लॉजिक को फॉलो क्यों नहीं करता? नागरिक और वोटर के तौर पर हमें ये मानने के लिए क्यों मजबूर करता है कि ईवीएम और वीवीपैट मशीन को हैक नहीं किया जा सकता, और वो भी बस इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग का ऐसा कहना है? नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर इस जरूरी मुद्दे पर इतनी सीक्रेसी क्यों बरती जाती है? द क्विंट ने ईवीएम वीवीपैट मशीनों में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स की जानकारी और उनके सप्लायर्स के नाम की मांग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या ECIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या BEL में RTI दाखिल की। गौर करें कि ECIL और BEL सप्लायर्स से कंपोनेंट इंपोर्ट करने के बाद ईवीएम वीवीपैट मशीनों को केवल असेंबल करते हैं। BEL और ECIL दोनों ने ये कहते हुए जानकारी देने से मना कर दिया कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, जिसका डिस्क्लोजर भारत की स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक हितों को प्रभावित करेगा और इससे तीसरी पार्टी की कम्पिटिटिव पोजीशन को भी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स इससे सहमत नहीं हैं। IIT कानपुर के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट प्रोफेसर संदीप शुक्ला कहते हैं, एंड आई कोट, अगर ईवीएम वीवीपैट की डिजाइन सुरक्षित है, तो क्यों चुनाव आयोग इनके प्रकाशन से डरता है? राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहाना है, बाधा पैदा करने से सुरक्षा नहीं हो जाती। ट्रांसपेरेंट बाहरी जांच किसी भी तरह की त्रुटि या एरर को पता करने और डिजाइन को बेहतर करने का सबसे अच्छा जरिया है, अनकोट। बल्कि बहुत सारे विकसित देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की दिक्कतों को देखने के बाद इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। उदाहरण के लिए हॉलैंड में 2007 में ईवीएम का उपयोग बंद कर दिया गया था। कंप्यूटर एक्सपर्ट्स के साथ काम करने वाले जुड़े नागरिक समूह ने पाया कि ईवीएम मशीन की मेमोरी चिप को आराम से 5 मिनट के भीतर बदला जा सकता है, जिससे छेड़छाड़ी की समस्या पैदा हो सकती है। उन्होंने ये भी पाया कि पोलिंग स्टेशन के बाहर रखे सामान्य रेडियो रिसीवर भी ईवीएम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में उतार चढ़ाव को देख सकते हैं। इससे ये पता चल सकता है कि कौन सा वोटर किसे वोट कर रहा है। ECIL और BEL से RTI में हमारा एक सवाल था कि ईवीएम में उपयोग की जाने वाली माइक्रोचिप का नाम क्या है। हमने सप्लायर्स का नाम और पता भी पूछा था। हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया गया, लेकिन हमने पाया कि BEL ने ये जानकारी मई 2019 में एक RTI के तहत शेयर की थी। हमारी ईवीएम की माइक्रोचिप की सप्लाई NXP करती है, जो एक रेप्यूटेड अमेरिकन कंपनी है। लेकिन इससे भी बड़ा एक अहम खुलासा था। चुनाव आयोग ने हमेशा कहा कि ईवीएम माइक्रोचिप में केवल एक बार ही प्रोग्राम की जा सकती है। तब एक्सपर्ट्स NXP की वेबसाइट पर पहुंचे और उन्होंने पाया कि माइक्रोचिप में फ्लैश मेमोरी है, जो एक बार से ज्यादा बार प्रोग्राम की जा सकती है। मतलब अगर इन तक पहुंच हासिल हो जाए, तो इन्हें फिर प्रोग्राम किया जा सकता है, जिससे ईवीएम के साथ छेड़खानी संभव है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर US में स्थित इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम एंड नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट के मुताबिक, अगर बाहरी विशेषज्ञों से ईवीएम की जांच कराई जाए, तो इसकी गलतियां पकड़ में आ सकती हैं और इन्हें ठीक किया जा सकता है। इस स्टडी में बताया गया है कि कैसे US में 2004 में ऐसा किया गया। तब सरकार ने सोर्स कोड को पब्लिक कर दिया था, जिसके बाद 4 एक्सपर्ट्स ने इसमें कई गड़बड़ियों का पता लगाया। सवाल ये है कि हम ऐसा भारत में क्यों नहीं कर सकते? हमारी ईवीएम वीवीपैट टेक्नोलॉजी में इतनी गोपनीयता क्यों है? हम क्यों इसके डिजाइन, सोर्स कोड और इसके कंपोनेंट को नहीं खोलते, ताकि इसकी एक्सपर्ट्स के जरिए ट्रांसपेरेंट ढंग से जांच हो सके? क्या इससे हमारी ईवीएम वीवीपैट मशीन ज्यादा सुरक्षित नहीं हो जाएगी? क्या चुनाव आयोग को डर है कि ईवीएम वीवीपैट मशीन के पब्लिक करने से उसकी कमजोरी सामने आ जाएगी और ये उनके लिए शर्मिंदगी की बात होगी?
लेकिन भारत की ईवीएम वीवीपैट टेक्नोलॉजी में पारदर्शिता ना होना और एक्सपर्ट्स ऑडिट ना कराने से हम देश की चुनाव प्रक्रिया को जोखिम में डाल रहे हैं, मतलब हम हमारे लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं।